नोएडा से दहेज प्रताड़ना का एक और मामला सामने आया है। सोनीपत की रहने वाली नवविवाहिता को ससुराल वालों ने इतना परेशान किया कि उसने मौत को गले लगा लिया। देखिए एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं सोनीपत की रहने वाली राधा की, जिसकी 3 महीने पहले फरवरी में नोएडा के छलेरा में रहने वाले दुष्यंत के साथ शादी हुई थी। अपने माँ बाप का घर छोड़ राधा आई तो थी ससुराल में खुशियाँ ढूंढने, लेकिन किसे मालूम था कि उसे खुशियों के बजाय मिलेगी तो सिर्फ मौत। राधा के माता पिता की माने तो ससुराल वाले दहेज के लिए उसे अक्सर परेशान किया करते। ससुराल वालों की हद तो तब हो गई जब उन्होंने राधा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। दहेज को लेकर बार बार ससुराल वालों के तानों से परेशान राधा ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। जब से राधा ने अपने ससुराल में कदम रखा, तब से ही उसके ससुराल वालों ने उस पर इतनी पाबंदियां लगा दी कि आस पड़ोस में बात करना भी राधा के लिए मुश्किल हो गया। शादी को कुछ ही दिन हुए कि ससुराल वालों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। लोगों की माने तो ससुराल वाले राधा पर इतनी रोक टोक लगाते थे कि वे उसे किसी से फोन पर बात भी नहीं करने देते, और यहाँ तक कि उसे उसके रिश्तेदारों के घर भी जाने से मना करते थे। राधा के मायके वालों को राधा की मौत की खबर भी उसके ससुराल वालों के बजाय गांव के किसी और शख्स से मिली। पता चला है कि ऐसे ऐसे राधा की डेथ हो गई है, उसने फांसी लगा ली है, हमें ये पता चला। लेकिन यहाँ के देखा हमने तो उसके साथ कुछ अलग ही पाया, वो फांसी उसने खुद ने नहीं खाई है, मारी गई है उसको। उसको किसी से भी बातें नहीं करने देते थे, बहनों से, आस पास से, हम तो यही नजदीक हैं, हमारे पास तक नहीं आने दी। उसको टोंटबाजी कसे जाते थे, वो सहन नहीं कर पाई या क्या हुआ या आज का कोई हमें अभी मैटर का पता नहीं चला कि आज क्या हुआ उसके साथ। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिन में कैलाश हॉस्पिटल से एक सूचना आई है, एक राधा नाम की महिला है जिसका फरवरी में छलेरा गाँव में दुष्यंत नाम के लड़के से शादी हुई थी, तो उसकी बॉडी यहाँ पे लाई गई है। और लाने के बाद जो उनके परिजन है वो यहाँ पे आए हैं, सोनीपत की रहने वाली थी क्योंकि उनके जो माता पिता और बाकी परिजन यहाँ पे आए हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिस पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना जारी है। और दहेज हत्या का मामला दर्ज कर पति और ससुर को हिरासत में लेकर जाँच में जुट गई है। नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट, DB Live। 21वीं सदी में जहां महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, वहीं आज भी दहेज का दानव उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। देखते रहिए जीबी लाइव।